हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी लव बर्ड्स के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने बर्ड्स का अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे और अच्छी अच्छी ब्रीड भी आप लोगों के पास हो रही होंगी। तो आज जो वीडियो है इस टॉपिक पर है कि जिन भाइयों के पास जो है बजिज पैरेट ब्रीड नहीं करते हैं और उनका जोड़ा नहीं लगता है तो वो परेशान हो जाते हैं, आज का टॉपिक उन्हीं के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जिस भाई के पास जो है पेयर नहीं लग रहा है और बजिज पैरेट जो है ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि कुछ भाई जो है वीडियोज़ देखते तो हैं मेरी रेगुलर पर वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो भी भाई बजिज पैरेट रखने के शौकीन है या जिन्होंने घर पर लाकर रखे हुए हैं और उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि हमारे पैर नहीं लग रहे हैं बजिज के और वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं जिस पर आपको ध्यान देना है, और उसके बाद जो है आपके बर्ड्स भी ब्रीड करना शुरू कर देंगे। तो आपको बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट की कैसे आप लोग अपने बजिज पैरेट का जो है पैर लगा सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि अगर आपके पास अगर एक पेयर बजिज का है तो आपको डेड बाई डेड का केज लेना है, इससे बड़ा केज नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप लोग बड़े केज में जैसे ढाई बाई ढाई या तीन बाई तीन के केज में अगर आप लोग एक पेयर बजिज का रखोगे तो वो दूर दूर बैठे रहेंगे, एक पास नहीं बैठेंगे और इससे इनका पेयर नहीं लगेगा, क्योंकि मेल फीमेल जो है आपस में झगड़ते रहेंगे, दूर दूर बैठेंगे, पास में नहीं बैठेंगे, एक साथ जो है फीड वगैरह नहीं खाएंगे और एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करवाएंगे। तो आप लोगों को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लोगों के पास एक पेयर बजी है तो आपको डेड बाई डेड का केज ही लेना है, इससे बड़ा केज नहीं लेना। डेड बाई डेड में जो है बजीज पैरेट एक पेयर जो है अच्छी ब्रीड करता है। मैंने डेड बाई डेड में एक पेयर से ब्रीड लिया है, उसने लगभग 5 से 6 बच्चे पाले थे, और आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। अगर आपके पास 2 पेयर है तो आप लोग 2x2 का केज ले सकते हैं, उसके अंदर भी आपके जो है बजिज पैरेट 2 पेयर ब्रीड कर देंगे। आप लोगों को करना क्या है कि जब भी बजिज पैरेट लेकर आएँ तो उनकी एज का पता ज़रूर रखें, क्योंकि जब बजिज पैरेट पेयर बनाना शुरू करते हैं तो उनकी एज लगभग 3 महीने के आसपास होती है, और 4 साढ़े 4 महीने की एज में वो ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि जब भी आप बर्ड्स लेकर आएँ तो उनकी एज जो है 3 महीने के लगभग हो, जिससे कि उनका आपके पास आते ही 15-20 दिन के अंदर जो है पेयर बन जाए और 15-20 दिन के अंदर आपके पास वो ब्रीड कर दें। तो आप लोग बिल्कुल पट्ठे भी ना खरीदें, क्योंकि अभी जो है ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है, जिससे कि आपके पास अगर आप बिल्कुल छोटे पट्ठे लोगे तो 3 से 4 महीने तो वो ब्रीड करने में ही ले लेंगे, इतने में जो है इनका ब्रीडिंग सीज़न चला जाएगा। ज़्यादा गर्मी होने पर भी ये ब्रीड नहीं करते हैं, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बर्ड्स लेकर आएँ तो उनकी एज 3 महीने के आसपास हो, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि इन्हें अच्छे मल्टीविटामिन और कैल्शियम देने हैं, जिससे कि बर्ड जल्दी हीट पर आता है और ब्रीडिंग करना शुरू कर देता है। और आपको जो है सबसे अहम भूमिका जो है सॉफ्ट फूड की होती है ब्रीडिंग के अंदर। तो आपको क्या करना है कि जो बर्ड ब्रीडिंग पर नहीं आ रहा है तो उसे बजिज को हफ्ते में कम से कम 2 बार उबली हुई गेहूं जो होती है वो प्रोवाइड करनी है, इससे बर्ड बहुत जल्दी ब्रीड पर आता है। सुबह के टाइम 1 बार जो अपने बर्ड्स को उबली हुई गेहूँ ज़रूर दें, हफ्ते में 2 बार, इससे आपका बर्ड जो है हीट पर नहीं आ रहा है वो हीट पर आ जाएगा। और जब सर्दी का मौसम शुरू हो जाए तो आप लोगों को अपने बर्ड्स को मेथी और पालक ज़रूर यूज़ करवानी है हफ्ते में 1 बार, जिससे कि बर्ड जो है हीट पर जल्दी आता है। ये गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं, इससे बर्ड जो है हीट पर आ जाता है और उसके बाद ब्रीडिंग मूड में आने पर ब्रीडिंग एक्टिविटी करने लगता है, मेल और फीमेल जो है स्टिक पर एक साथ बैठने लगते हैं। आप लोग केज में देख सकते हो कि मैंने एक ही स्टिक लगाई है, आपको भी ऐसा ही करना है कि मटकी को थोड़ा पिंजरे में नीचे लगाएं, जिससे कि बजिज पैरेट उसके ऊपर बैठकर एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करवा सकें। तो आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है और आपके पास बहुत जल्दी पेयर लग जाएगा और बहुत जल्दी ब्रीड होगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।